हेलो दोस्त, DFCCIL CBT 2 कट ऑफ के बारे में लोगों का बहुत सारा क्वायरी था जूनियर एग्जीक्यूटिव का, लेकिन क्वायरी के साथ मेरा भी शिकायत है। किसी एक कैंडिडेट ने भी नहीं क्वेश्चन पेपर अपना डिटेल हाइड करके नहीं भेजा। भाई एनालिसिस चाहते हैं तो कुछ डाटा तो आनी चाहिए, और बिना डाटा का बोलना भी सही नहीं है। हालांकि चलिए कोई बात नहीं, हमने कुछ निकाला है, उस निकालने के डाटा के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न के समझने के हिसाब से, रेलवे के जो 10-12 क्वेश्चन आने वाले थे वो भी रेलवे का करंट अफेयर में बदल दिया है इस बार, वो भी एक चेंज है। और बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ये लग रहा है कि पिछला बार से पेपर इस बार ईजी था। मैं सबसे पहले बोलूँगा, पिछले बार से पेपर इस बार बहुत आसान था, पिछला बार का पेपर बहुत कठिन था जिसके कारण से कट ऑफ ज़्यादा गया था। मैं पिछली बार का पेपर देखा और इस बार का पूरा तो ओवरव्यू नहीं देख पाया 17 तारीख वाला पेपर का, लेकिन कुछ पेपर का पार्ट देखा। उस पेपर के पार्ट से कुछ क्वेश्चन 40-50-60 क्वेश्चन से ये लगा कि पिछला से तो बहुत ईजी इस बार है। तो ध्यान रखिएगा कि पिछला बार से 2024 और 23 वाला, यानी अब तो 24 में जाएगा 23 वाला वैकेंसी, उसका कटअप ज़्यादा ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कई लोगों का रहेगा कि ज़्यादा नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, जिनको जिनको लिखना है ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पेपर पिछले जैसे नहीं थे। पिछले वाले पेपर तो बिल्कुल सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन पूछ दिया था और डिफिकल्ट पेपर बन गया था। तो चलिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आने में अब क्या समय लगा है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, बाकी का और कुछ लोग पेपर दीजिएगा, कुछ एनालिसिस करेंगे तभी बना पाएंगे। डायरेक्ट बोलना ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत बोलना भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो एक्सपेक्टेड होता है, और एक्सपेक्टेड में भी अगर क्वेश्चन पेपर नहीं देखा हो तो थोड़ा सा अनुमान लगाना सही है। अब कुछ लोग बोले कि ज़्यादा कैंडिडेट भर दिए होंगे, फॉर्म कम भर दिएंगे, ये सब कुछ कहने के लिए बकवास है। अब सभी में 20 गुना कैंडिडेट हैं तो ज़्यादा फॉर्म का बात ही नहीं होता। CBT 2 में, CBT 2 में जो भी कुछ होना है ना, वो होना है आपका, देख लीजिएगा, लिखिएगा ध्यान से, मैं बताता हूँ आपको टेक्निकली आपका क्वेश्चन लेवल कैसा था, इस पर अंतर पड़ेगा क्वेश्चन के लेवल पर। दूसरा किस पर अंतर पड़ेगा, कुछ कैंडिडेट अब्सेंट हो गए क्या? अगर कुछ कैंडिडेट 1, 2, 4, 5 भी हर सेंटर पे अब्सेंट हो गए, बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कैंडिडेट को। तीसरे नंबर पे अंतर पड़ता है कितने क्वेश्चन डिलीट या रिमूव होंगे या आंसर चेंज होंगे, ये भी मायने रखता है। और 2-3 क्वेश्चन हर बार हो जाता है, इसके कारण से भी कटअप में उठल प्रेरित हो जाता है। जैसे आपने अनुमान लगाया कि कटअप 60 जाएगा, आंसर की आ गया, लेकिन जब रिवाइज हुआ तो अगर 3 प्रश्न हटा दिए गए और ये 3 प्रश्न का नंबर सभी को दे दिया गया, तो 3 प्रश्न के 4-5 नंबर, 1 मिनट, 4-5 नंबर सभी लोगों को और मिल जाते हैं, यानी 4-5 नंबर तो ऐसे ही बढ़ा देता है। जो हम 4 नंबर लेके मार्जिन चलते हैं, वो 3-4 नंबर हर कैंडिडेट में ऐड हो जाता है। तो ये भी आप एक फैक्टर रखेंगे, यानी इन 3 कारणों को अगर जान गए तो कट ऑफ के आप लमसम चले जाएंगे। कैंडिडेट का कैलकुलेशन अब कुछ नहीं करना है, 20 गुना सब में कैंडिडेट लगभग हैं, कुछ HR वगैरह छोड़ के। तो SNT में हम जब बात करेंगे तो पहले आपको पिछला कट ऑफ पे लेके चलेंगे, फिर बात करेंगे आपको पिछला कटअप। देखिए एकदम बिल्कुल ऑफिशियल है, कोई मैं नकली लेके नहीं आया हूँ, एकदम बिल्कुल SNT जूनियर एग्जीक्यूटिव का ही पोस्ट है, जो 4/2021 के लिए था, जो आप देख सकते हैं डेट भी होगा सारे नीचे सारा कि किस डेट में आया था, साइन में भी डेट है, सिग्नेचर में, अच्छा यहाँ नहीं है सिग्नेचर वाले, फाइनल में देखिए 28/2/2022 की थी, और 2023 में आपका ये वैकेंसी आया है इस बार वाला, और 24 में रिजल्ट आएगा फाइनल, उसकी बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कटअप बिल्कुल यहाँ पे ये वाला कटअप है, ये मैक्सिमम स्कोर है। तो देखिए अगर कोई भी कैंडिडेट कोई हाईएस्ट मार्क सेलेक्ट लाया है 120 में से 74, तो आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है 74 लाया है 120 में से, तो ये परसेंटेज में कितना होता है, 70% से भी कम होता है, 65% होता है, तो ये क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट ही रहा होगा। और इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार पेपर ईजी है। पिछली बार जो इनका कटअप गया था 55 गया था UR का, EWS का 44 गया था, 52 गया था OBC का, AC का 47, 39 गया था ST के लिए, और PWD के लिए 37 और 43 एक सर्विसमैन का। अब देखिए मैं इस कटअप के आधार पे मैं बता दूं कि इसमें आप 10 नंबर कम से कम जोड़ेंगे, ये कम से कम है, यानी ध्यान रखिएगा कम से कम, ये
लिख लेना आप, नहीं तो फिर कहिएगा बाद में कि गलत है हमने जोड़ा था। तो कम से कम 10 नंबर, यानी ये कम से कम 10 नंबर जोड़ेंगे तो 65, यानी 65, और जो पिछला वाला जो ज़्यादा नंबर था यहाँ 74, दोनों को आप देखिएगा तालमेल, यहाँ से 65 और ये 65 और 74 के बीच का गैप क्या है, यानी ध्यान रखना आप, 65 और 74 का गैप है लगभग लगभग ये 9 नंबर का। तो एक मिनट, 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5 नंबर, यानी इक्वल टू 5 नंबर, इसको 5 नंबर जोड़ दीजिए, 70 नंबर के आसपास यू आर का कट ऑफ इस बार मेरा अनुमान है यू आर का। और ये कट ऑफ उसके बाद है, किसके बाद, जो आपका एंसर की के है। और इसमें आप एक मार्जिन एज वाला ध्यान रखिएगा, 1-2 नंबर 3 नंबर किसी का डिलीट हुआ हट गया जो पहले हमने एडिट किया था, तो ये कट ऑफ अगर जिसमें कम गया किसी का अगर नहीं आंसर हुआ, तो ये 70 से 72-73 की तरफ ट्रेंड करता हुआ दिखेगा, यानी पिछला बार का जो हाईएस्ट नंबर है वो इस बार का लोएस्ट नंबर के आसपास रहेगा, यानी करीब करीब मान लीजिए कि इसका रेंज जो होगा कट ऑफ 68 से लेके 72 के बीच में यू आर का मेरे हिसाब से लगता है यहाँ पे स्टैंड कर जानी चाहिए एस एन टी जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। अब इसमें देखिए यू आर से ओ बी सी का निकालना किसी को दर्द नहीं है, कोई भी आराम से निकाल सकता है कोई भी कंपटीशन में, प्लस और यहाँ पे 2 माइनस, यानी जब यू आर का होता है बात तो 2 नंबर ज़्यादा ओ बी सी, 2 या 3 नंबर ज़्यादा, और जब ओ बी सी की बात होता है यू आर के रेस्पेक्ट में तो 2-3 नंबर कम। तो यहाँ से आप सीधा से यहाँ से सवाल लगा लीजिए 65 और यहाँ से लगा लीजिए यहाँ पे 69, ये लगभग इस रेंज में आपका कटअप होगा, और ये कटअप हमने वही रेंज बात किया है जो पिछला के हिसाब से, यानी 65-69 का रेंज रहेगा मेरे तरफ से ओ बी सी का, यानी ओ बी सी का हो गया यू आर का हो गया। देखिए ई डब्ल्यू एस का ओ बी सी से कम होगा ये सबको पता है, कितना कम होगा कई बार बहुत नीचे भी हो जाता है कैंडिडेट नहीं रहने के कारण, कई बार आसपास भी रहता है और कई बार इसके एक आध नंबर आगे भी चला जाता है। यानी ओ बी सी के बाद अगर हम अगला कम्युनिटी ई डब्ल्यू एस की बात करेंगे एस एन टी में, तो ई डब्ल्यू एस का कटअप यहाँ पे हमने लगभग लगभग मैंने देखा है पेपर का जो पैटर्न है 10 रेलवे वाला करंट अफेयर बना दिया गया है पूरा, जीके रीजनिंग भी ठीक ठाक है, जीके में थोड़ा सा रेलवे का कुछ क्वेश्चन भी पड़ा हुआ था और थोड़े से डिफिकल्ट टाइप है, और जो आपका रीजनिंग और साइंस वगैरह ठीक ठाक करने वाले क्वेश्चन थे, तो उस हिसाब से भी अगर यहाँ ई डब्ल्यू एस में देखेंगे ना तो यही आसपास में मुझे इसी नंबर के आसपास 62 से लेके 67-68 के आसपास में समथिंग में दिख रहा है। और ये 67-68 जब कह रहा हूँ ना तो देखिए ये नंबर वही है जो आपका कितना परसेंट है, ध्यान दीजिएगा 60% नहीं है, एक्चुअली में ये 50% के आसपास कट ऑफ ई डब्ल्यू एस का बन रहा है, ओ बी सी का 55-56% के आसपास है, और पिछली बार तो बहुत कम ही हो गया था 40-45% पे सिलेक्शन हुआ था। अब ई डब्ल्यू एस के बाद अगर बात करते हैं एस सी एस टी कम्युनिटी का, जो पिछली बार कट ऑफ एकदम बिल्कुल क्वालिफाइड से थोड़ा ज़्यादा गया था, तो इस बार ई डब्ल्यू एस में देखिए ई डब्ल्यू एस के कटअप से एस सी का तो कम ही रहेगा, ये तो क्लियर है श्योर है, और एस टी का कम ही रहेगा ये श्योर है। लेकिन एक फैक्टर आपने सी बी टी वन में देखा था, सी बी टी वन में कैंडिडेट ज़्यादा भरे थे किस कम्युनिटी के, एस सी और एस टी का, जिसके कारण से इनका कटअप सी बी टी वन में तो बहुत बढ़ गया था, सी बी टी टू में ऐसा नहीं होगा ध्यान रखिएगा। सी बी टी टू में बी सी गुना कैंडिडेट है और बी सी गुना कैंडिडेट सब फाइट करने वाले हैं, तो कटअप आपका इनका देखिए एस सी कैंडिडेट के अगर रूप में देखेंगे तो पिछली बार वाला तो मैं तो देखूंगा ही नहीं, 45 इस रेंज में कटअप नहीं जाने वाला है, ये कटअप आपको करीब करीब 58 से 63-62 के रेंज में आपको मिलेगा, यानी पिछली बार से कम 12-15 नंबर ऊपर के आसपास। उसके बाद अगर एस टी कम्युनिटी की बात करेंगे तो एस टी कम्युनिटी भी कम से कम 55 नंबर और आसपास में वही 60-61 के आसपास ये भी मिलेगा, यानी पिछला बार जो यू आर का सिलेक्शन था ध्यान रखिएगा मेरे तरफ से वो इस बार एस टी कम्युनिटी में शिफ्ट होगा, यानी पिछली बार का 55 यू आर का कटअप इस बार के करीब करीब एस टी के कटअप के होगा। फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ एक अनुमान है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सही ही होगा, लेकिन हाँ ये तो मैं कह सकता हूँ कि जो एक मिनट डिलीट हो जा भाई, जो अनुमान है वो अनुमान आसपास ज़रूर रहेगा और
2-4-5% का वेरिएशन के साथ हो जाना चाहिए सिलेक्शन, फिर भी कैंडिडेट को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट का वेट, तो ये अनुमान के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फिर भी कैंडिडेट आप एक बार और ध्यान देखिए, आपने कई सारे कैंडिडेटों का था कि इस बार वैकेंसी ज़्यादा था तो कट ऑफ कम होगा, ये गलत फहमी नहीं रखिएगा, क्योंकि इस बार जो भी 20 गुना कैंडिडेट है वो प्योर रूप से कंपिटिटर है। थैंक यू, धन्यवाद।